लेकिन सर, आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ। ये मुल्तान जुमा बाज़ार है मलिक रियाज साहब के नाम का। बहुत सारे लोग यहाँ रोज़ आते हैं और अपनी मनपसंद गाड़ी लेके जाते हैं। हम भी इस वक्त मौजूद हैं इस जुमा बाज़ार में। हमारे सामने एक बेहतरीन कंडीशन में कल्टस है, 17 मॉडल, डबल नंबर लगा हुआ है जी, गालबन गोल्डन नंबर लग रहा है। आइए इनके ऑनर से कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। ये कल्टस आपकी है सर? कौन सा मॉडल है सर ये? 17। और सर नंबर कहाँ का लगा हुआ है? पिंडी। पिंडी का नंबर है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, पिंडी का नंबर लगा हुआ है। डिमांड क्या है सर इसकी? 18.5। जेन्युइन हालत में है? तकरीबन एक दो पीस टच में है। इसके अलावा कोई काम तो नहीं होने वाला सर? इनर आउटर टोटल जेन्युइन। एसी, हीटर वगैरह हर चीज़, जैसा कि ऑनर बता रहे हैं आपको। मैं गाड़ी की कुछ कंडीशन दिखाता हूँ। सबसे पहले हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। गाड़ी सील टू सील जेन्युइन है, एज़ पर कस्टमर इनके एक दो पीस टच में है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पिंडी का नंबर लगा हुआ है नाज़रीन इस पर। ये उसका ओरिजिनल इंजन अपने बिल्कुल कवर्स के साथ। ये देखें, यहाँ से साइड से आप देख सकते हैं सीलें बिल्कुल जेन्युइन है। कुप्पे अपनी ओरिजिनल हालत में है जी। यहाँ से मैं आपको गाड़ी का फ्रंट व्यू देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये अलॉय रिम्स के साथ है। सबसे पहली चीज़, गाड़ी के टायर्स की कंडीशन अगर देखते हैं तो गाड़ी के टायर्स एटलीस्ट 80% आए हैं इस वक्त अपनी गुड्डी के अंदर। अलॉय रिम जेन्युइन इसके लगे हुए हैं। सो कल्टस के तो अलॉय रिम वैसे भी थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन यहाँ आपको लगे हुए मिल रहे हैं। तो ये देखें आप, दूसरा टायर बिल्कुल 90-80% सर इसकी गुड्डी अभी भी मौजूद है। मतलब ये टायर एक दो साल तो कहीं जाता नहीं। या फेंडर देख सकते हैं, इसकी विंडस्क्रीन अपनी जेन्युइन हालत में। ये गाड़ी आप देख रहे हैं साइड से, ये इसकी छत, एंटीना लगा हुआ है, बिल्कुल ओरिजिनल पेंट होया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा इनर की व्यू देता हूँ। ये आप इनर खोलेंगे तो ठीक है जी। ये गाड़ी की इनर हालत है, लेदर पोशिश हुई हुई है, एसी हीटर चालू है जी इस वक्त, बैटरी न्यू इंस्टॉल्ड है, उसमें बैटरी का भी कोई मसला नहीं है। मैनुअल कल्टस, ये देखें दरवाजे अपनी जेन्युइन हालत में नाजरीन। ये देखिए, मैं आपको दूसरा डोर दिखा रहा हूँ। हाँ गोदा, चलो भाई देखो ना। हाँ गोदा, ये मैं आपको दूसरा डोर दिखाता हूँ। ये गाड़ी की बैक साइड है सर। गाड़ी की पिछली सीटें भी लेदर पोशिश के अंदर हैं। डिमांड उन्होंने स्टार्टिंग में बता दी, ऑनर से लेते हैं बाद में रिव्यू इसका। लास्ट रिव्यू वो लगा देते हैं, हमें कोई प्राइस हो सकता है नेगोशिएबल हो। पिंडी का नंबर लगा हुआ है और गोल्डन नंबर लगा हुआ है। तो गोल्डन नंबर वाली गाड़ियाँ वैसे भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि गोल्डन नंबर जो है वो ऑक्शन में ही लिया जाता है। ये देख लेते हैं, इसी टायर की मैं आपको दिखा रहा हूँ, 80-90% गुड्डी है जी। और ये डनलॉप के टायर लगे हुए हैं इसमें। ये आप देख सकते हैं, कोई भी स्क्रैच नहीं है, स्क्रैचलेस गाड़ी है। और वो इन्होंने आगे सेल करनी है, गाड़ी होती है ना, तो फिर तो छत से लेके ये मैं आपको इसके मिरर तक दिखा देता हूँ, जो अपने जेन्युइन पेंट में है, जेन्युइन हालत में है। गाड़ी पे एक भी स्क्रैच मुझे अब तक नज़र नहीं आया नाज़रीन। ये इसकी विंडस्क्रीन, यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि गाड़ी की विंडस्क्रीन जो है बिल्कुल अपनी जेन्युइन हालत में, इसको भी टच नहीं किया गया। ये इसका बोनट, बोनट की आपको सीलें भी चेक करवाते हैं जी। बोनट की सीलें अपनी ओरिजिनल हालत में है, मीन्स गाड़ी मेन एक्सीडेंट नहीं है। एक दो पीस उन्होंने कहा टच में, और माशाल्लाह वो भी टचिंग ऐसी है कि वो नज़र ही नहीं आ रही।